मैं हूं मपाल, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के तीन अपराधियों को धौलपुर में डकैतों से कराया मुक्त। सराहनीय कार्य करने वाली धौलपुर की पुलिस टीम को किया सम्मानित। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के जिला शिवपुर के थाना विजयपुर इलाके से कुछ बदमाशों द्वारा तीन पशु चराने वाले लोगों का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद शुक्रवार शनिवार की रात्रि को इन बदमाशों की लोकेशन धौलपुर जिले के चंबल बीड़ क्षेत्र के सरमतरा सोनी का गुर्जा एवं मडरायल करौली में होने की मिली। इस पर राजस्थान के पुलिस महानिदेशक और मध्य प्रदेश के पुलिस के एडीजी क्राइम के निर्देशन में धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह और शिवपुर एसपी के सुपरविजन में अपहरणकर्ताओं की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम हीरालाल उपनिरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बाड़ी सदर और दूसरी टीम साइबर सेल के राजकुमार हेड कांस्टेबल, टीवाईटी टीम के भवर सिंह एएसआई, जयदेव हेड कांस्टेबल, वहीं मध्य प्रदेश पुलिस के विकास तोमर उपनिरीक्षक, भारत सिंह गुर्जर उपनिरीक्षक, हिमांशु भार्गव उपनिरीक्षक ने मैं टीम के सर्च अभियान चंबल के बीहड़ क्षेत्र एवं डांग क्षेत्र में शुरू किया। इस दौरान चंदेली, सामरदा, अरोरा, चिरमिल, मडरायल, कूना के जंगल, शिवपुर, खुशहालपुर, रीछरा, सरमथरा के जंगलों में जगह जगह दबिश दी एवं संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसी दौरान 21 जनवरी शनिवार को देर शाम खुशहालपुर के जंगलों में डकैत वीरू उर्फ वीरेंद्र नाई पुत्र रामचर निवासी निजामपुर थाना बाड़ी सदर धौलपुर एवं उसका भाई सोनू एवं 5-6 अन्य हथियारबंद बदमाशों के होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की, जिससे बदमाश पुलिस के दबाव में आ गए और तीनों अपहृत लोगों को मौके पर ही छोड़कर भीड़ एवं घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने तीनों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। बदमाशों के कब्जे से तीनों लोगों को सुरक्षित मुक्त कराने पर मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने धौलपुर पुलिस की टीम के द्वारा विशेष अभियान चलाकर किए गए सराहनीय कार्य के लिए 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। वहीं भागे हुए बदमाशों की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने अपहृत रामस्वरूप यादव, गुड्डा बघेल और भत्तू बघेल को डकैतों के चंगुल से मुक्त कराया है। रेत माफिया ने किया पुलिस कर्मियों को रौंदने का प्रयास, दीवार में जा घुसा अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली। धौलपुर शहर में रविवार शाम को पचगांव चौकी पर पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान अवैध चंबल रेता को खाली कर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने रोकना चाहा तो चालक ने पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दीवार में जा लगा, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने भाग कर अपनी जान बचाई। मौके पर नाकाबंदी कर रहे चौकी प्रभारी जानकी नंदन मीणा ने बताया कि चंबल बजरी माफियाओं की रोकथाम के लिए लगातार नाकाबंदी की जा रही है। रविवार शाम को भरतपुर की ओर से बजरी खाली कर लौट रहे एक ट्रैक्टर को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो ट्रैक्टर चला रहे माफिया ने नाकाबंदी कर रहे पुलिस कर्मियों को जान से मारने की नीयत से उन पर ट्रैक्टर चला दिया। ट्रैक्टर को अपनी ओर आता देख पुलिसकर्मी इधर उधर भाग गए, जिससे ट्रैक्टर चौकी की दीवार में जा घुसा। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर की दीवार में लगते ही उस पर बैठा माफिया भाग निकला। इस दौरान नाकाबंदी कर रहे पुलिस कर्मियों ने भागकर उसका पीछा करते हुए उसे दबोच लिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि इस दौरान पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक 24 वर्षीय अभिषेक पुत्र एवरन ठाकुर निवासी कुकरा सैपुर को गिरफ्तार किया है, साथ ही मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया है। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार अवैध रेताबंदी वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान बंजी का रेता जो ट्रैक्टर है वो आया और जब हमने रोका तो उसने चौकी की दीवार को तोड़ते हुए भागने का प्रयास किया, जाब्ते को रोकने का प्रयास किया, जिसे पकड़ा है और जब्त किया है। आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार सहित पुलिस ने तीन आरोपी किए गिरफ्तार। बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने शनिवार को थाना क्षेत्र के तीन अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से दो अवैध देसी कट्टे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने बताया कि निभी के ताल के पास से नाकाबंदी के दौरान 20 वर्षीय बदमाश कुंवर पाल पुत्र भीकम सिंह ठाकुर निवासी मुरावली को भागते समय घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
वहीं दूसरा बदमाश 23 वर्षीय रावत पुत्र सुग्रीव जाटव है, जो खनपुरा त्राय से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तीसरी कार्रवाई कोटरा त्राही के पास की है, जहां से मुखबिर की सूचना पर बदमाश बबलू पुत्र ढालचंद निवासी गांव मरावली को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। तीनों बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और जाँच शुरू कर दी है। साथ ही बदमाशों से अवैध हथियारों के संबंध में पूछताछ कर रही है। आज रात्रि दौरान गश्त 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक तो रावत है, रावत सनोप सुगरी, दूसरा है गब्बर सनोप डालचंद, तीसरा है उमरपाल सनोप भीकम। तीनों एक ही गांव के मुरावली के, उनको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया। 3 फरवरी तक जेसी रिमांड में करवाया गया है, जिसको न्यायालय से पेश कर जेसी ले जा रहे हैं। पट्टे 7 राउंड। पेट्रोल पंप पर लूट करने पहुंचे बदमाशों ने की फायरिंग, सेल्समैन को लगी गोली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा रोड पर डागरपुर गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप पर शनिवार रात करीब 8 बजे बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी और नकदी लूटने का प्रयास किया। विरोध करने के दौरान सेल्समैन के गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से भाग गए। सूचना पर सदर थाना धौलपुर की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही क्षेत्र में नाकाबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। वहीं घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 8 बजे एक बाइक से 3 नकाबपोश युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और उन्होंने सेल्समैन हरिंद्र सिंह पुत्र भरत सिंह से पेट्रोल डालने के लिए कहा, जिस पर उसने पहले पैसे देने की बात कही, जिस पर बाइक चला रहे युवक ने कहा कि ATM से भुगतान करेंगे। सेल्समैन ने केबिन में जाकर कार्ड स्वीप करने के लिए कहा। इस बीच केबिन में बैठे मालिक और अन्य लोग बाहर की तरफ आते दिखे, जिस पर बदमाशों ने अचानक करीब 2-3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसे पास खड़े सेल्समैन हरिंद्र ने विरोध करते हुए हथियार छुड़ाने का प्रयास किया, जिससे वह फायरिंग की चपेट में आने से जख्मी हो गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर दूसरे लोग भी पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ पड़े, जिससे बदमाश बाइक से भाग गए। पंप मालिक ने वारदात की सूचना सदर थाना पुलिस को दी और घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। वहाँ पर 3 लोग आए थे बाइक से, उन्होंने मतलब पेट्रोल डालने को बोला, ATM से कैश कराने के लिए बोल रहे थे वो। मैं अंदर ऑफिस में ले गया हूँ तीनों को, वहाँ पर ATM को कैश कराने के लिए उन्होंने कैश नहीं किया, सीधा पैसा मांगा हम पर, पैसे दो, कितने पैसे हैं, इतने ही पैसे मांग नहीं सकते। उन्होंने सीधा तीनों पर फायर, बंदूक से उन्होंने सीधा फायर किया मुझे, एक फायर मुझ पर किया, 2 फायर मालिक जो त्यागी जी थे उन पर किए, मेरा सीधा हाथ, मेरे सीधा हाथ में ही पड़ा गोली लगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।